हम लोग कुछ औरतों से शुरू किया, आज पूरा बंगाल इस धरने में जुड़ गया है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट हम हिंदुस्तानी के हक में फैसला नहीं कर देते, ये धरना, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। मैं नाम बताना नहीं चाहता, वो पहचान ले कि मैं कौन हूँ, मेरे कपड़े से, मेरे बोलने के तरीके से। मैं प्राइम मिनिस्टर को बहुत थैंकफुल बोलना चाहता हूँ पूरे आवाम के तरफ से कि उन्होंने हम लोगों को एक कर दिया। पहले हम बटे हुए थे टुकड़ों में, फिरकों में, तबकों में, अब हम बटे नहीं हैं। এই যে দৈনন্দিন জীবনে এত সমস্যা, যেটা বললাম বেকার সমস্যা, জিনিসপত্র এত দাম, এই বিষয়গুলো থেকে মুখ ঘোরানোর জন্যই কিন্তু আজকে এনআরসি এই সব বিষয়ে এনে মানুষকে এনগেজ। এবং इस आंदोलन में हम जुड़े हुए हैं छठा दिन से, जिन सीए पास किया, माने प्रेसिडेंट ने उसको पास करवाया, उसी दिन से, उसी रात से हमको नींद नहीं आ रहा था। प्रोटेस्ट होना चाहिए क्योंकि हमारा देश पहली बात एकदम सेकुलर कंट्री, धर्म निरपेक्ष देश है, जहाँ इसके आधार पर ये जो कानून लाया गया, ये धर्म के आधार पर लाया गया, जिसमें एक तबका, खासकर एक दो तबका उसमें आउट हो जा रहा है, इसी के आधार पर हम लोग को सोच आया हमको प्रोटेस्ट होना चाहिए। जो टकराएगा, जो जाएगा।